लाश के दो कलर को कब बोलोगे? जो देखना था वो तो नहीं दिखाया। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था असल में स्किन टोन होता क्या है और परफेक्ट स्किन टोन रखना कैसे। लेकिन इसमें मैंने सारे स्किन टोन क्लियर किया एंड लास्ट में जो एकदम ब्लैक स्किन है ये मैं रख दिया था। और मैंने बोला था कि 2K लाइक कंप्लीट होगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो फाइनली वो सुनहरा टाइम आ चुका है, सॉरी सुनहरा नहीं ब्लैक टाइम आ चुका है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसा ब्लैक स्किन को आप कैसे एकदम परफेक्ट ग्लो स्किन की तरह बना सकते हो, एकदम नेचुरली ग्लो स्किन की तरह ऐसा 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 तो ऐसा ब्लैक स्किन को भी एकदम ऐसा बना सकते हो। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ये जो आप डार्क स्किन देख रहे हो, एकदम ब्लैक स्किन देख रहे हो, ये असल में होता कैसे है? देखो ऐसा ब्लैक स्किन असल में नहीं होता, थोड़ा बहुत काला होता है बट कैमरा सेटिंग की वजह से, लाइटिंग की वजह से एकदम ऐसा काला हो जाता है। लेकिन वो सब फोटोज में पोज बढ़िया होता है, लोकेशन बढ़िया होता है, वो फोटो तो हम डिलीट नहीं कर सकते। तो इसी फोटो को आप एडिटिंग करके भी ठीक कर सकते हो, वो कैसे मैं बताऊंगा। तो चलो अभी हम चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। और आपके पास अगर लाइटरूम है तो लाइटरूम ओपन कर लो, अगर नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर चेक करना, स्क्रॉल करना, मिल जाएगा जो भी सही है, ठीक है। तो चलो अभी मैं फोन निकाल लेता हूँ। ओके ध्यान से देखो, इस वीडियो में मैं ये फोटो ठीक करके दिखाऊंगा। ये फोटो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा काला है। ये स्किन क्या होता है, ये स्किन मतलब व्हाइट करने में बहुत मुश्किल होता है। देखो स्किन दो तरह की टोन होता है, जो आप नॉर्मली सीवी एडिटिंग होता है, जिसको सीवी एडिटिंग कहता है, कार्टून की तरह जो घिस घिस के व्हाइट कर लेता है। देखो वो स्किन टोन नहीं होता, जो रियल स्किन होता है ना ये स्किन होता है, रियल स्किन, ठीक है। जो रियल जो नेचुरल दिखे वही परफेक्ट है, ठीक है। मतलब फोटो देख के ऐसा लगना नहीं चाहिए कि भाई ये एडिटिंग है, नेचुरल फील आना चाहिए, वही फील मैं इस फोटो में दूंगा। वो कैसे, बस देखो। देखो मैंने लाइटरूम ओपन कर लिया। लाइटरूम ओपन करने के बाद पहले आपको लाइट पर जाना है, ओके। लाइट पर जाने के बाद देखो इधर आपको ऑटो दिख रहा है, ऑटो पर क्लिक कर देना है। इधर ऑटो दिख रहा है ना, ऑटो पर क्लिक कर देना है। ऑटो पर क्लिक करने के बाद थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, जितना होना है उतना ही हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत आप शेड सकते हो, जैसे कि मैं इधर क्या करूंगा, शेडो को थोड़ा और ज्यादा उठा दूंगा। देखो 62 तक गया एंड एक्सपोजर को थोड़ा और ज्यादा कर दूंगा। इतना करने के बाद थोड़ा बहुत रीडिंग हुआ है, अब देखो देखो थोड़ा बहुत फर्क दिख रहा है ना, थोड़ा 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 करके ही बस आपको ज्यादा करना है। एकदम से ज्यादा करने जाओगे ना तो लोगों के नजर में भी ऐसा लगेगा कि भाई ये तो रीडिंग ठीक नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा से करोगे ना वो बहुत ही बढ़िया लगता है। ओके अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है। एंड देखो डार्क जो भी है इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बात कर रहा हूँ डार्क जो स्किन है इसके बारे में, ठीक है। ये सब में आप ध्यान मत दो। अभी इस फोटो में मैं क्या करूंगा, मास्किंग पर जाकर प्लस पर क्लिक करके बस इधर से सिलेक्ट सब्जेक्ट पर जाऊंगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट पर जाऊंगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप ओनली सिलेक्टिव यूज कर सकते हो, ठीक है। वो सिलेक्टिव भी मैं यूज करूंगा बाद में। ओके इस पर जाकर पूरा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं लाइट पर जाऊंगा, जाकर जो शेडो है ये थोड़ा इंक्रीज करूंगा। देखो शेडो को मैं कर रहा हूँ जैसे कि 20 एंड एक्सपोजर को थोड़ा करता हूँ, नहीं ज्यादा हो जाता है, एक्सपोजर रहने देता हूँ। ओके इतना होगा। इतना करने के बाद अभी मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद देखो पहले से बहुत बढ़िया हो चुका है, इतना हो चुका है। अभी जाऊंगा सिलेक्टिव पर, ओके मास्किंग पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद प्लस पर क्लिक करना है एंड इधर देखो रेडियल ग्रेड लाइन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ही एक मैं इधर टैप करूंगा, ओके प्लस पर क्लिक करके फिर से लेता हूँ, ये सिलेक्ट नहीं हुआ मुझे लगता है, इधर लेता हूँ। लेने के बाद देखो ऐसे आपको रखना है, ऐसे रखने के बाद आपको कलर पर जाना है, ओके कलर पर जाकर जो आपको टैम दिख रहा है ना ये टैम को आपको प्लस करना है। देखो इधर मैं प्लस कर रहा हूँ, देखो 14 प्लस कर दिया, अभी देख सकते हो। प्लस करने के बाद क्या हो रहा है, तो स्किन पे एक टोन आ चुका है, जो रियली टोन होता है, जो स्किन पे टोन नहीं था एकदम ब्लैक था वो टोन आ चुका है। एक बार हटा के दिखाता हूँ, देखो एक टोन आ गया ना, ऐसे टोन आपको लेना है और इसको टैप करना है, टैप करके आपको डबल कर देना है। ओके इधर से मैं डबल करता हूँ, डबल करने के बाद इस साइड रखूंगा, जिस जगह काला है उसी जगह में रखूंगा, मतलब मैं अलग से टोन इधर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्किन में है नहीं तो अलग से ऐड कर रहा हूँ। ओके ये मैं डबल करूंगा, डबल करके फिर से मैं इधर रखूंगा, ओके इधर ऐसे रखूंगा, फिर से मैं डबल करूंगा, जिस जगह काला है उसी जगह मैं रख दूंगा, हाथ पे रख देता हूँ, इधर इधर ऐसे रख देता हूँ, और एक डबल करता हूँ, और एक डबल करके इधर रख देता हूँ। ओके इतना बढ़िया है, एंड नीचे का साइड भी मैं रखता हूँ। देखो देखो कुछ प्रोसेस होता है जो टाइम लगता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तभी आपको टाइम लगेगा, अगर आप इसमें स्पीड हो जाओगे ना, मस्टर हो जाओगे तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, जो भी प्रोसेस हो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए। देखो अभी मैं ऐसे करके ऐसे बड़ा करके तो बस ऐसे कर दूंगा। अभी स्किन में एक टोन आ चुका है, स्किन में एक टोन आ चुका है, देख सकते हो स्किन में एक टोन आ चुका है।
अभी ये फोटो में सेव कर लूंगा। अभी बस कुछ नहीं करना है, ये फोटो आपको सेव कर लेना है। देखो ऊपर के साइड थोड़ा टर्न कम है, इधर मैं फिर से ऐड करता हूँ। ओके क्या कहते हो, इधर मैं फिर से ऐड कर देता हूँ। इधर इधर थोड़ा येलो सा कम लग रहा है, तो फिर से कलर पर जाऊंगा और थोड़ा प्लस कर दूंगा ऐसे। अभी परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है। इधर से मैं अभी शेयर पर क्लिक करके बस सेव कर लूंगा। ओके डन। बस लाइटरूम में आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। डन कर लिया। ओके फोटो सेव हो चुका है। इस फोटो को क्या करना है, रेमिनी पर जाकर बस आपको अपलोड करके इनहेंस कर लेना है। इनहेंस करने के बाद जो फोटो की जो स्किन टोन है ना, वो और भी रियलिस्टिक लगेगा। अभी आप देख सकते हो सेव हो चुका है। मैं सेव करने के बाद फिर से मैं लाइटरूम पर शेयर कर लिया। शेयर करने के बाद देखो अभी स्किन टोन देखो, और भी रियलिस्टिक लग रहा है। अभी स्किन जो टोन है ना, वो एक मतलब आ चुका है। स्किन टोन हमारा लगभग 70% आ चुका है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इस स्किन टोन को हम कलर टूल पर जाकर पकड़ सकते हैं। लेकिन हम जो ब्लैक फोटो है ना, उस पर अगर हम कलर पर जाकर जो टूल है, जो ऑरेंज टूल है, उस पर अगर हम जाकर सेटते तो कोई काम नहीं आता, ठीक है। लेकिन इस पर काम आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखो अभी एडिट पर जाऊंगा, जाकर कलर पर जाऊंगा, कलर पर जाकर मिक्स कलर पर जाऊंगा एंड ऑरेंज कलर पर जाऊंगा। अगर पहले ब्लैक फोटो में मैं ऑरेंज कलर पर जाता तो ये सब कुछ भी काम नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उस फोटो में स्किन टोन है ही नहीं, पकड़ेगा कैसे। अभी स्किन टोन है, इसको मैं और ज्यादा ठीक कर सकता हूँ इस टूल से। ओके मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो ना। ओके ध्यान से समझना। ऑरेंज टूल पर गया, टूल पर जाकर जो ह्यू है ना, ह्यू से आप कलर चेंज कर सकते हो। ह्यू से क्या होता है, कलर चेंज होता है। तो जो टोन है, इस टोन को मैं और थोड़ा चेंज करके रियलिस्टिक की तरह रखूंगा। ओके ह्यू को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ओके देखो रेड रेड की तरह रख सकता हूँ, थोड़ा मैं प्लस कर देता हूँ जैसे कि 4। ओके सेटोरेट को मैं थोड़ा माइनस कर देता हूँ जैसे कि व्हाइट की तरफ आ गया। व्हाइट क्या आ गया, लेमनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ जैसे व्हाइट को थोड़ा और ज़्यादा व्हाइट हो जाएगा। ओके थोड़ा कम कर देता हूँ इतना। अभी जाऊँगा रेड कलर, रेड कलर पर जाकर रेड कलर की सेटुरेशन को थोड़ा प्लस कर दूंगा। रेड लिप में रेड ज़्यादा होता है और रेड हमारे स्किन पे इसीलिए काम करता है क्योंकि हमारे खून में रेड होता है। पहले वाली वीडियो में सब पॉइंट क्लियर किया, आप वो देख लेना। ओके ह्यू से मैं थोड़ा प्लस कर दूंगा, लेमिनस को मैं थोड़ा माइनस कर देता हूँ इधर, क्योंकि रेड की जगह थोड़ा हाईलाइट है। ओके हाईलाइट ऐड हो चुका है। ओके इतना हो चुका है, इसको मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद अभी जाऊँगा लाइट पर, जाकर हाईलाइट को थोड़ा कम कर दूंगा। हाईलाइट जो शार्ड है ना, उस पर ज़्यादा लग रहा है। ओके अभी चाहो तो बैकग्राउंड को भी मैं चेंज कर सकता हूँ कलर पर जाकर। बैकग्राउंड क्या कलर है आप देख सकते हो, बैकग्राउंड येलो येलो ज़्यादा दिख रहा है, तो मिक्स कलर पर जाकर येलो कलर पर जाऊँगा एंड बैकग्राउंड कलर को थोड़ा ऐसे चेंज कर दूंगा। ओके देखो देखो फोटो बन चुका है। इस फोटो में और बढ़िया से टोन डाल सकता हूँ, वो कैसे, वो कलर ग्रेडिंग से, ठीक है। तो एडिट पर जाऊँगा, कलर ग्रेडिंग पर जाऊँगा एंड हाईलाइट पर जाऊँगा, क्योंकि फेस हाईलाइट की तरफ है। इधर जितने भी अब पूरा फोटो में ऐसे देखो, ऐसे पूरे फोटो में जो लाइट किधर ज़्यादा है, इधर है, इधर ही लाइट ज़्यादा लग रहा है, तो ये हाईलाइट है। ओके तो हाईलाइट पर जाकर इधर से मैं सेचुरेशन को पहले थोड़ा प्लस करूँगा जैसे कि 16। ओके अभी ह्यू को बस ऐसे चेंज करूँगा, ह्यू को चेंज करने के बाद 86 या 87 ऐसा रख देता हूँ, परफेक्ट लग रहा है 85। ओके परफेक्ट है। एंड शेडो पर जाकर इधर मैं ब्लू की तरफ रखूँगा, रेड की तरफ भी रख सकता हूँ लेकिन ब्लू की तरफ रखूँगा, नहीं ऐसा ही रखता हूँ। सेटुरेशन को और थोड़ा कम कर देता हूँ 5 तक। ओके 5 करने के बाद फोटो देखो, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। इधर बस थोड़ा काम किया, लेकिन ये थोड़ा काम से फोटो इधर से इधर गया, इधर ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट की वजह से हमारा फोटो कितना इम्प्रूव होता है आप सोच भी नहीं सकते हो। यही बस आपको ध्यान रखना है। ओके देखो कितना इजी है, एक ब्लैक फोटो को मैं बस कुछ ही मिनट में ऐसा बनाया, वो भी आपके सामने लाइव। ओके ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपका फोटो अगर ऐसा ब्लैक हो रहा है तो आप टेंशन मत लो, इसको भी आप ठीक कर सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त ज़्यादातर ऐसा ब्लैक फोटो क्लिक करता है तो ये वीडियो पहले आप उन्हें शेयर करो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और इस चैनल में अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो चलो मिलते हैं ऐसे और एक वीडियो में, और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।